बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एरर होता क्या है और वो क्या क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है। और आज के लेक्चर में हम डीबगिंग प्रोसेस के टॉपिक में सीखेंगे कि आप एरर्स को किन किन तरीकों से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप एरर को डिटेक्ट नहीं करेंगे, उसको ढूंढेंगे नहीं, तब तक आप उसे अपने प्रोग्राम से रिमूव भी नहीं कर सकते। और साथ के साथ हम आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है और किसी भी सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीबगिंग प्रोसेस। दोस्तों, जिस तरह प्रोग्रामिंग की जुबान में एरर्स को बग्स कहा जाता है, इसी तरह उन बग्स को पहले ढूंढना और फिर प्रोग्राम से खत्म करने के प्रोसेस को डीबगिंग प्रोसेस का नाम दिया जाता है। और डीबगिंग प्रोसेस वो तरीकेकार है जिसके जरिए प्रोग्रामर अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स की मदद से प्रोग्राम को एरर फ्री करने की कोशिश करता है। तो उन टूल्स में से जो पहला टूल है वो है डेक्स चेकिंग रूल। दोस्तों, डेक्स चेकिंग मेथड के जरिए प्रोग्रामर पूरे प्रोग्राम का प्रिंट आउट निकलवा कर उसकी एक एक लाइन को थॉरली चेक करता है कि आया इनमें कोई सिंटेक्स, लॉजिकल या रन टाइम एरर तो नहीं है, क्योंकि आमतौर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर फोकस करना मुश्किल होता है, इसीलिए प्रोग्रामर पेपर पर तमाम कोड प्रिंट करवा लेता है। और ये काम वो किसी डेस्क पर बैठकर भी कर सकता है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को डेस्क चेकिंग टेक्निक का नाम दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है मैनुअल टेस्टिंग। दोस्तों, मैनुअल टेस्टिंग इस तरह की टेस्टिंग होती है जिसमें प्रोग्रामर सही और गलत दोनों तरह के डेटा को अपने प्रोग्राम में इनपुट करता है, लेकिन इस टेस्टिंग में वो कंपाइलर को यूज नहीं करता, बल्कि खुद से अपने माइंड के जरिए प्रोग्राम को कंपाइल करता है और अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर उसे लगता है तो उसे रिमूव भी कर देता है, इसीलिए इसको आमतौर पर ड्राई रन ऑफ प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है स्ट्रक्चर वॉक थ्रू। दोस्तों, स्ट्रक्चर वॉक थ्रू टेक्निक आमतौर पर बहुत कारामद साबित होती है एरर्स को रिमूव करने में, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोग्रामर्स जिसने वो प्रोग्राम बनाया होता है सिर्फ वही उस प्रोग्राम को चेक नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ कई और प्रोग्रामर्स मिलकर उस प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं और इस तरह ना सिर्फ उस प्रोग्राम में मौजूद एरर्स को रिमूव किया जाता है, बल्कि उसकी कंप्लीटनेस यानी उस प्रोग्राम में किसी फीचर की कोई कमी तो नहीं रह गई है, इसको भी मेजर किया जाता है और साथ के साथ उसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी का भी तयन किया जाता है कि वो प्रोग्राम किस हद तक उस प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू, क्योंकि इसके अंदर कई प्रोग्रामर्स मिलकर उस एक प्रोग्राम का, उस एक सॉफ्टवेयर का रिव्यू करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है अटेम्प्ट एट ट्रांसलेशन। दोस्तों, अभी तक हमने जितनी टेक्निक देखी उनमें प्रोग्रामर खुद से एरर्स को डीबग करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अटेम्प्ट एट ट्रांसलेशन के मेथड में प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर की मदद से कंपाइल करता है, जिसकी वजह से उसे ड्यूरिंग कंपाइलेशन अगर कोई सिंटेक्स एरर उसके प्रोग्राम में मौजूद है तो वो भी नजर आ जाता है, विच मीन्स कि ये जो टेक्निक है ये खास तौर से सिंटेक्स एरर को रिमूव करने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, इस टेक्निक के जरिए इस बात की इंश्योरिटी की जाती है कि आपके प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर मौजूद नहीं है, और जब तक अगर आपके प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर होगा तो ये कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक थी ये खास तौर से सिंटेक्स एरर को रिमूव करने के लिए थी। इसके बाद जो टेक्निक है वो खास तौर से लॉजिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है टेस्टिंग सैंपल डेटा। दोस्तों, इस टेक्निक में प्रोग्राम में सैंपल डेटा के जरिए अलग अलग तरह के इनपुट दिए जाते हैं और उन इनपुट्स के जरिए इस बात का तयन किया जाता है कि आया ये प्रोग्राम सही रिजल्ट प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं, और अगर प्रोग्राम सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, विच मीन्स कि उसमें कोई लॉजिकल एरर मौजूद है, तो इस टेक्निक के जरिए प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना आसान हो जाता है। इसको आमतौर पर अल्फा टेस्टिंग का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत मशहूर टेस्टिंग है क्योंकि इसमें प्रोग्राम के हर एक छोटे से छोटे पार्ट को भी सैंपल डेटा के जरिए टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों, जब प्रोग्राम में से तमाम एरर्स रिमूव कर दिए जाते हैं फिर सबसे लास्ट टेक्निक को यूज किया जाता है, विच इज रन रियल वर्ल्ड डेटा।
दोस्तों पिछली टेक्निक में प्रोग्रामर सैंपल डेटा को अपने प्रोग्राम में इनपुट दे रहा था और जब उसको इस बात की श्योरिटी हो गई कि मेरा प्रोग्राम मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, तब जाकर बारी आती है उस प्रोग्राम को उस कंपनी के हवाले करने की जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है। लेकिन उस कंपनी को सॉफ्टवेयर देने से पहले प्रोग्रामर अपने सॉफ्टवेयर की सक्सेस को मजीद बढ़ाने के लिए उसमें रियल डाटा को भी इनपुट देता है और रियल डाटा को इनपुट देकर ये चेक करता है कि आया इसमें कोई एरर तो नहीं है। और दोस्तों रियल डाटा वो डाटा होता है जो कि उस कंपनी का असल डाटा होता है, जो कि कंपनी उस सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट करके रिजल्ट्स लेना चाहती है, वो डाटा कहलाता है रियल डाटा। इसीलिए इस टेस्टिंग को आमतौर पर बीटा टेस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी डाटा इनपुट करने वाली होती है उसी डाटा को प्रोग्रामर इनपुट करके टेस्ट करता है कि आया इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो दोस्तों यकीनन आप लोगों के जहनों में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत क्यों है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपने प्रोग्राम को बिना टेस्ट किए उस कंपनी के हवाले कर दिया जिनके लिए आपने वो प्रोग्राम बनाया है, और अगर कंपनी ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया अपने एनवायरमेंट में, और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन यानी जब कंपनी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है तो उसको यूज करने के दौरान अगर कोई एरर आता है तो उसकी वजह से उस एरर की वजह से कंपनी के कामों में भी रुकावट आ सकती है और इसकी वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टूडेंट्स के एग्जाम्स और रिजल्ट्स के लिए कि वो जो परसेंटेज है आपकी वो कंप्यूटराइज्ड यानी कंप्यूटर के जरिए वो परसेंटेज निकाली जाएगी, तो अगर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन जब वो स्कूल या जब वो कॉलेज वगैरह उस आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो याद रखिए फिर आपके रिजल्ट्स भी लेट हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वगैरह लेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्कूल की कितनी बदनामी होगी। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी कंपनी को देने से पहले उसको टेस्ट करना निहायत ही जरूरी होता है कि आया वो सॉफ्टवेयर हर तरह से सही काम कर रहा है या नहीं, कि अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई एरर आता है तो उसकी वजह से उस कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ के साथ प्रोग्रामर की रेपुटेशन भी खराब होगी। तो एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए ये जरूरी है कि वो किसी भी प्रोग्राम को किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इन तमाम टेस्टिंग फेज से जरूर गुजारे। तो दोस्तों यहाँ तक ये टेस्टिंग का स्टेप मुकम्मल हुआ, अब बारी आती है लास्ट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन की। और ये देखिए द डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल, यानी डॉक्यूमेंटेशन वो तरीकेकार है जिसके जरिए पूरी प्रोग्रामिंग साइकिल जिसमें डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से लेकर टेस्टिंग तक के तमाम अहम पॉइंट्स को दर्ज किया जाता है यानी रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें अलग अलग डायग्राम्स जैसे कि फ्लो चार्ट्स एल्गोरिथम्स के जरिए भी प्रोग्राम का फ्लो दिखाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आम इंसान के लिए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को समझना मुश्किल होता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है, इसमें क्या क्या लॉजिक्स अप्लाई हुई हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन में पूरे प्रोग्राम का फ्लो यूजर की लैंग्वेज में डायग्राम्स की मदद से दिखाया जाता है और फिर उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी यूजर को दे दी जाती है जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। और फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट सिर्फ यूजर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि यूजर के साथ साथ ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आइए इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले है यूजर डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों यूजर को पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक मैनुअल भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप यूजर को यानी वो लोग जो इस नए बनने वाले सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे उन्हें गाइड किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा। इन शॉर्ट उस यूजर मैनुअल को जो कि डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है उसके जरिए यूजर को उस सॉफ्टवेयर को चलाना सिखाया जाता है ताकि यूजर अपना काम उस सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी करवा सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन है जिसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है ऑपरेटर के लिए। दोस्तों ऑपरेटर वो बंदा होता है जो कि उस सॉफ्टवेयर में यूज होने वाले तमाम डेटा को मैनेज करता है। ये उस कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है जिसके लिए ये नया बनने वाला सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है, और उसके लिए ये डॉक्यूमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में उन एरर्स को भी रिपोर्ट किया होता है जो कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन भी आने के चांसेस होते हैं, और साथ के साथ
डॉक्यूमेंट में उन एरर्स को रिमूव करना भी सिखाया जाता है। तो इस तरह अगर कंपनी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है और इस दौरान उसे कोई एरर फेस करना पड़ेगा तो ऑपरेटर उस डॉक्यूमेंट के जरिए एरर को बआसानी रिमूव कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों प्रोग्रामर जो कि उस सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को क्रिएट करता है उसे खुद भी डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि एक प्रोग्रामर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाता, वो तो एक साथ कई कई सॉफ्टवेयर्स पर काम कर रहा होता है। तो ऐसे में अगर फ्यूचर में उस सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाता है जो कि ऑपरेटर्स भी सही नहीं कर पाता या उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत महसूस होती है कंपनी को, तो कंपनी इसके लिए प्रोग्रामर से रुजू करेगी और प्रोग्रामर को इसके लिए फिर जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की जिसमें ए टू जी तमाम पॉइंट्स लिखे हुए होंगे जिनकी मदद से प्रोग्रामर बआसानी उस एरर को भी रिमूव कर सकता है और सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकता है। और इसीलिए इसको आमतौर पर प्रोग्राम मेंटेनेंस भी कहा जाता है जिसमें इन फ्यूचर प्रोग्राम में कोई तब्दीली करनी होती है तो वो भी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये प्रोग्रामिंग प्रोसेस के तमाम स्टेप्स मुकम्मल हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।